हेलो सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार। और आज गांव में हो रही है काफी बारिश। आपको दिखाता हूँ बाहर का नजारा, देखिए। तो दोस्तों आप देखिए, जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँच रही है पूरे पहाड़ बादलों से ढके हुए हैं और सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है अभी। ये देखिए बादल कैसे जा रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा हो रहा होगा अभी पहाड़ों में। जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है तो काफ़ी साफ दिखता है, एकदम हरा भरा, और नज़र भी दूर दूर तक पहुँचती है। और ये है अमरूद का पेड़, अभी काफ़ी छोटे छोटे अमरूद हो रहे हैं इस पे। और ये है आड़ू। लेकिन थोड़े जो और नीचे आते हैं वो चलते रह जाए, सुबह और सुबह अब में ये आपको नीचे दिखाता हूँ ऊपर नहीं पहाड़ों आते। का सुबह सुबह का बारिश के बाद बहुत ही प्यारा नज़ारा, हरा भरा। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, ये नज़ारा जन्नत से कम थोड़ी है। और ये नज़ारा है नौबाड़ा से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ओ चंदू डराई बरा, माठू माठू गाड़ी चला, टेढ़ी मेढ़ी रोड़ा चंदू, जरा तू माय लगा। दोस्तों यह है शिवदत्त पालीवाल राजकीय इंटर कॉलेज पाली। यहाँ भी मैंने एक क्लास पढ़ाई की सिर्फ, वो भी 11वीं में। बताते हैं इस इलाके का यह सबसे पुराना स्कूल है। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं ग्राम ऊंचावाहन में, जो यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो रोड नीचे को जा रही है, लेफ्ट साइड में ये जा रही है मासी को, और ये जो राइट साइड में जा रही है, ये जा रही है ऊंचावाहन को। गोयल देवता की जय। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं और जो पर्यटक स्थल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपको यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाएंगे और जो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है उसके बारे में भी बताएंगे और वो चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जो है थकुली उड्यार के नाम से। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों पहाड़ी भाषा में बोलते हम इसे उढ़ियार, हिंदी में बोलते हम इसे गुफा। तो दोस्तों यह है थकुली उढ़ियार का मेन गेट। तो अब आपको ले चलते हैं थकुली उढ़ियार की तरफ। जय हो। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वाह कितनी साफ सफाई है मंदिर में, ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है मंदिर भी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं थकुली उढ़ियार। ये थकुली उढ़ियार का सबसे टॉप वाला स्थान है, ये देखिए। और और यहाँ ये से भी भाई लोग खा काफ़ी रहे हैं प्यारा जामुन, और देखिए आप सुंदर देख कितने नज़ारा। जामुन हो रखे हैं इस पे। और भाई लोगों बताओ कैसा हो रहा है इसका स्वाद? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नहीं बहुत ही स्वाद हो रहे हैं। ये देखें। हेलो, आप जामुन खा रहे हो? ये क्या है? हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं ऊंचावाहन गांव में, तो हमें मिले हैं यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान जी श्री शंकर सिंह बिष्ट जी। तो इनसे कुछ पूछेंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो ये लोग जानते हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल में, जब ये ग्राम प्रधान थे, तो इन्होंने यहाँ काफ़ी कुछ विकास किया है गांव का। जैसा आप देख रहे हैं ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, बना हुआ है, ताकि यहाँ देखो जैसे छोटे बच्चे आते हैं कभी तो इधर से वो गिरे ना, तो इन्होंने चारों तरफ से चार बंदी कर रखी है। तो सर आप एक बार बताइएगा मुझे कि यहाँ क्या चीज़ है जो सबसे फेमस चीज़ है, जो यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं? ये जिस प्रकार दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरे में ताजमहल, उसी प्रकार ऊंचा भांग का ये थकुली उठा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक है, इतने बड़े पत्थर नहीं है, इसके नीचे भी एक थकुली उठा नाम का एक पत्थर है अच्छा जिसको हाथ पारने पर थाली की आवाज़ करता है, इसलिए इसका नाम थकुली उठार पड़ा है। अच्छा और बहुत पुराना, मतलब यहाँ पे जो है हमारे वहाँ जो एक प्रथा थी, भैल वैल खेलते थे ना, अच्छा तो ये चौना वालों को हम यहाँ से संबोधित करते थे, मतलब मजाकिया भाषा में जो भी एक दूसरे गांव को बोला जाता था पहले। और हमारे गांव से जो है ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे हमारे बुजुर्ग आते थे और यहाँ पे वो अपना मनोरंजन करते थे यहाँ पे इस अच्छा पत्थर जी पे। और जब मैं जॉब भी करता था दिल्ली में, तो उसके बाद मुझे गांव आता था, तो मुझे इसका बड़ा लगाव था। मैंने यहाँ पे चूना वगैरह सफेदी वगैरह करी,
फिर ये बिजली का पोल ला करके इसमें डाला और इसमें फिर झंडा रोहण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को इसमें झंडा रोहण भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने कई काम किए, तटबंध हैं, 7-8 टैंक हैं पानी के। अच्छा अच्छा, और जो प्रधानमंत्री PMJSY की रोड है ये भी मैं ही लेके आया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे किसी भक्त मतलब यहाँ मंदिर की स्थापना भी करी और यहाँ हनुमान जी का मंदिर वगैरह बना दिया। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे अब आप, चलो अब आपको दिखाते हैं थकुली उड्यार। थकुली उड्यार जो मेन थकुली उड्यार है वहाँ के लिए जो ये रेलिंग के लिए अच्छा बना रखा है, ये कुछ पैसा पहले ये तो कर ही सकते हैं। हाँ। यहाँ पर कभी पुराने जमाने का तेल वगैरह निकालते होंगे ना। अच्छा, तेल निकाल तो ये काफी गहरा है। अच्छा, अभी पानी भर रखा है इसमें। तो पानी भर रखा है, बारिश की वजह से गहराई में है। और ये ऐसे खंडहर में था ये। अच्छा, इसको मैंने ऐसे जोड़ने के लिए, जाने के लिए ये ऐसे बना रखा है। वो कितना अच्छा बना रखा है। पेंटिंग वगैरह मैंने सारे पेंटिंग बता रहे हैं कि इन्होंने खुद की है पेंटिंग। ये कुछ बाहर निकला हुआ था। अच्छा, मैंने एक लुक दे दिया। अरे वाह, ये देखो ये खाली पत्थर था, थोड़ा बाहर निकला हुआ, इन्होंने पेंटिंग करके कुछ अच्छा लुक सा दे रखा है। ये आपने लिखा है? और ये है थकुली उड्यार, जो अभी ये बता रहे थे कि यहाँ क्या होता है, यदि आप हाथ से ऐसे मारोगे तो ऐसी आवाज आएगी जैसे थाली या पीतल की परात में मार रहे हो। हेलो दोस्तों, आज थकुली उड्यार आए हैं तो कुछ बच्चे भी मिले हैं, इसमें से एक दो तो सब्सक्राइबर भी हैं, और आपको भी इन बच्चों से मिलाता हूँ। हेलो ये देखो, यहाँ ऐसे फिसलते भी हैं, बच्चे खेलते हैं, मतलब ये देखो वो अपने आप रुक जाएगा, वहाँ अपने आप रुक जाएगा। हाँ, तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ थकुली उड्यार के अंदर। और इसका नाम ही इसीलिए रखा है थकुली उड्यार। ये देखो, अब यहाँ पे मैं एक बार मारूंगा और ऐसे आवाज आएगी जैसे किसी थाली में या बर्तन में मार रहे हैं, जैसे पीतल की पारा है किसी में। ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ से आ रहा है उजाला, थोड़ा सा गैप है पत्थरों में। और ये देख, आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ कितना अच्छा व्यू है। ये देखो, इसका ढांचा ये है, केवल इस पे टिका हुआ है और कुछ नहीं है ना। देखिए ये कितना चमत्कार है, ये देखिए, केवल थोड़ी सी जगह और इतना बड़ा पत्थर। ये सही लगेगा ना, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ से खूबसूरत नजारा, ये रामगंगा नदी। और ये है चौना, काला चौना, बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ से। देखो अभी हम पत्थरों के बीच में है, यहाँ से दिख रहा है नजारा। ये देख, हाँ बजाओ बजाओ, आप भी करो। सुना आज तक तो आपने सुना होगा, ये देखो वो बजाओ। हाँ, ये इधर उधर मारो, घुट्टी रोड़ी गे। अरे क्या हो गया, मन नहीं कर रहा बाहर आने का? अच्छा, ये देखिए, तो इसमें बाहर एहसान होता है। देखो लेट लेट के आ रहे हैं, फिसल है ना, फिर फिसलन काफी बहुत मुलायम है ना पत्थर। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे रहो।
ये एक छोटी और कहाँ, ये देखिए, देखो ना, ये देखिए नीचे है काफी सारी ओखलियाँ, काफी गहरी ओखली। ड्रम काट के मैंने ऐसे लगा रखा है। ये देखिए ड्रम का भी इस्तेमाल, टूटा है ड्रम लेकिन इसका भी इस्तेमाल। क्या है वहाँ? कहाँ जम करोगे? जम करेंगे तो आप भी करोगे जम? करोगे? अच्छा, आपका नाम क्या है? हेलीकॉप्टर आ गया, ऊपर आ गया। मैंने आपको देखा। अच्छा, हेलो अंकल जी, इसको जानते हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पहाड़ की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।